हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल ज्ञान के मोती। आज की वीडियो में कक्षा 7 से हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत हम करेंगे 14वें पाठ का अभ्यास कार्य, जिसका शीर्षक है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। इसका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देर किस बात की, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। उत्तर लिखिए, मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ। उत्तर लिखिए, मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में निम्न प्रकार से विकास हुआ। पहले हम पढ़ेंगे फारसी साहित्य और फिर हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। फारसी साहित्य के अंतर्गत मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी एवं विद्वान थे, जैसे बाबर ने तुर्की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा खफी खान ने मुंतखब उल लुबाब में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है। अकबर ने अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के विषय में। इस काल में तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस तथा सूरदास ने सूर सागर नामक पुस्तक लिखी थी। हिंदी के अन्य कवि केशव, भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान और बिहारी आदि थे। तीसरा प्रश्न है, मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल शासक स्थापत्य कला के महान निर्माता थे। मुगल स्थापत्य कला का आधार फारसी शैली था। अकबर काल में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हुआ। उद्यान मुगल स्थापत्य का अविभाज्य अंग बन गया। बाबर कलात्मक स्वभाव का शासक था। उसने पानीपत के काबुलीबाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद बनवाई। अकबर का काल शांति का काल था। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, लाहौर आदि में इमारतों को बनवाया, जिसमें बुलंद दरवाजा, शेख सलीम का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल आदि मुख्य हैं। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे का दीवाने आम बनवाया। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर, मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। उत्तर लिखिए, मुगल कालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय। मुगल कालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय में भक्ति और सूफी संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। बाबर ने सहिष्णुता और सद्भावना के बीज बोए। हुमायूं का हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध रहा। हिंदू मुस्लिम एकता अकबर काल में सशक्त हुई। अकबर ने प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लिया। उसने प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। जहांगीर ने अकबर की नीति अपनाई, वह प्रजा का हितैषी था। औरंगजेब की धार्मिक नीति राजनैतिक परिस्थितियों का फल था। उसके राज्य में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर के समय से ज्यादा थी। सूफी संतों और भक्ति मार्गियों ने भी हिंदू मुस्लिम सन्निकटता में वृद्धि की। इन संतों में गुरु नानक, मलूकदास, दादू दयाल और रज्जब दास मुख्य थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। अगला प्रश्न है, शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिए, शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतें निम्नलिखित हैं, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम एवं दीवाने खास।
डियर व्यूअर्स, ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा है, इनके द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। दिल्ली का लाल किला। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तु शैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण पांचवें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। इसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। दीवाने आम। इसमें मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस स्थापित था। इसका प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। आगरा किले में स्थित दीवाने खास का निर्माण दीवाने आम की तरह ही मुगल बादशाह शाहजहां ने 1935 में करवाया था। दीवाने आम के विपरीत इसका प्रयोग विशिष्ट लोगों के लिए किया जाता था। दीवाने खास का निर्माण विदेशी उच्च पदाधिकारी, राजदूत और राजाओं की खातिरदारी के लिए किया जाता था। जामा मस्जिद। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। डियर व्यूअर्स, हम बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की ओर। दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए। उत्तर लिखिए, दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला उपनिषद और दूसरा भगवद गीता। हमारा अगला अभ्यास कार्य है सही जोड़े मिलाइए। मिलाइए बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा, तुझके जहांगीर, जहांगीर, अकबरनामा, अबुल फजल, रज्मनामा, महाभारत। डियर व्यूवर्स, हमारा अंतिम अभ्यास कार्य है नीचे दी गई तालिका में उन मुगल शासकों का नाम लिखिए जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। लिखिए गोल सिक्के बाबर, अकबर और औरंगजेब, चौकोर सिक्के अकबर, गोल एवं चौकोर सिक्के अकबर। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अंतिम अध्याय। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध भी होगा। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का ये अंतिम अध्याय था, यानी कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।